और अब बात आईफोन 8 की। तो अगर मन बना रहे हैं आईफोन 8 लेने का तो इंतजार आपका खत्म होने वाला है। कल एप्पल अपने नए फोन से पर्दा उठाएगा। इवेंट की शुरुआत रात 10:30 बजे होगी और इस बार एप्पल आईफोन 8, आईफोन 8 प्लस लॉन्च होगा। इस बार आईफोन की 10वीं सालगिरह भी मनाई जाएगी। हम आपको बता दें कि इस मौके पर आईफोन एक्स लॉन्च किया जा रहा है और लॉन्च किया जा सकता है, और इससे पहले एप्पल आईफोन का एस वेरियंट लॉन्च करता रहा है। इस इवेंट में LTE सपोर्ट वॉच, 4K टीवी समेत कई प्रोडक्ट्स भी एप्पल यहां पेश करने वाला है। और मेरे साथ मेरे सहयोगी अभिषेक यहां पर ज्यादा अपडेट के लिए जुड़ गए हैं। अभिषेक, पहली बार एप्पल जो है वो आईफोन एक्स लेकर आ रहा है, क्या कुछ खास हो सकता है इस बार इस एक्स में? देखिए, खास तो ये है कि मेरा जो आईफोन 7 प्लस है ये आज के बाद आउटडेटेड हो जाएगा, क्योंकि कल 3 नए आईफोन लॉन्च होंगे। नाम को लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, कोई कह रहा है आईफोन 8 उसका नाम होगा, पर मेरा गेस ये है कि आईफोन एक्स, एक्स प्लस और एक्स एडिशन ये नाम हो सकते हैं। पहली बार इस बार जो चेंज होगा वो है OLED स्क्रीन होगी। OLED यानी ऑर्गेनिक LED, इसमें कलर्स ज़्यादा ब्राइट होते हैं। अभी तक एप्पल के फोन्स में IPS LCD स्क्रीन यूज की जाती थी, इस बार ज्यादा ब्राइट, ज्यादा विविड कलर्स वाली OLED स्क्रीन दिखाई जाएगी। इसके अलावा जो आईफोन में जो इस बार चेंज होने वाला है वो ये कि होम बटन नहीं होगा। मतलब आईफोन में जो आइकॉनिक पहले नंबर से हमेशा आईफोन में ये जो होम बटन था, ये होम बटन नहीं होगा, क्योंकि पूरी तरीके से स्क्रीन ही स्क्रीन होगी, तो होम बटन इस बार डिच किया जाएगा। फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी होगी, अब होम बटन नहीं है, फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं है, तो आपका फोन लॉक अनलॉक कैसे होगा? आपके चेहरे से 3D फेशियल रिकॉग्निशन होगा, आपके चेहरा देखकर फ्रंट फेसिंग कैमरे से आपका चेहरा देखा जाएगा और फोन अनलॉक हो जाएगा। इसके अलावा ऑगमेंटेड रियलिटी वाला नया कैमरा होगा। ये जो डुअल कैमरा सेटअप आईफोन में दिया गया था, ये डुअल कैमरा सेटअप इस बार AR कंपैटिबल होगा, यानी ऑगमेंटेड रियलिटी। तो ऑगमेंटेड रियलिटी का नया इंजन इनके प्रोसेसर में भी आएगा, जिसकी मदद से गेमिंग में और ऐप इकोसिस्टम में काफी नई तरीके से आप इंटरफेस काफी चेंज हो जाएगा। इसके अलावा ज्यादा रिस्पॉन्सिव टच स्क्रीन होगी, OLED स्क्रीन इसमें दी जाएगी, ज्यादा रिस्पॉन्सिंग होगी, और पहली बार आईफोन में वायरलेस चार्जिंग दी जाएगी। पीछे पूरा ग्लास पैनल होगा और वायरलेस चार्जिंग इससे पहले सैमसंग के, नोकिया के कुछ फोन्स में इससे पहले दिखाई गई थी, तो वायरलेस चार्जिंग पहली बार आईफोन में दी जाएगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक इस तमाम अपडेट को हम तक पहुंचाने के लिए। हम अपने दर्शकों को बता दें कि कल रात भारतीय समय के अनुसार 10:30 बजे एप्पल अपने इस प्रोग्राम की शुरुआत करेगा और उसके बाद एक एक कर आईफोन जो है वो यहां पर लॉन्च किए जाएंगे। इस बड़ी खबर पर लगातार हम जी बिजनेस पर आपको अपडेट देते रहेंगे। इस खास शो में मेरे साथ बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।